प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से विचार करया साझा लोगा सो अमृत महोत्सव रे दौरान आजादी री लड़ाई लड़न वाला रा संघर्ष री गाथा देश रे सामने लावण री करी अरज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई चिकित्सा सुविधावां रो करयो लोकार्पण और शिलान्यास कयो लाडला दो बरस माए सेहत रा खेतर माए मजबूत आधारभूत ढांचो करी जो तैयार प्रदेश में अबे ताई 54 लाख सुबह से लोगारी लगाई जा कोविड रा टीका प्रदेश में काले कोरोना संक्रमण रा 852 नवा मामला आया सामने देश भर में आज मनायो जा रही है होली रो त्यौहार कोरोना महामारी रे चालता सार्वजनिक जगह पर होली खेलन पर लगाई जी है रोक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री लोगा ने दी शुभकामनावां भारत इंग्लैंड के बीच आज पुणे में एक दिन रो क्रिकेट मैच जारी भारत पहली बल्लेबाजी करता थका इंग्लैंड ने 330 रन रो दियो लगस नमस्कार आप सब दर्शकों ने होली री घनी घनी शुभकामनावां मैं हूं सुधाकर सोनी अरबे खबरा विगतवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन री बात कार्यक्रम में देश रा लोगारी साथे आपरा विचार साझा कर्या ये कार्यक्रम री 75वीं कड़ी में बोलता थका प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव री चर्चा करी और कहो कि आज़ादी री लड़ाई लड़न वाला और संघर्ष रा किस्सा देश री आवण वाली पीढ़िया वास्ते सीख देवन जोगा है मेरे प्यारे देशवासियों देखिए कितना बड़ा सुखद संयोग है आज मुझे 75वीं मन की बात करने का अवसर और यही महीना आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव के आरंभ का महीना अमृत महोत्सव दांडी यात्रा के दिन से शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम पूरे देश में लगातार हो रहे हैं न्यू बिगिनिंग का मतलब होता है न्यू पॉसिबिलिटीज नए प्रयास और नए प्रयासों का अर्थ है नई ऊर्जा और नया जोश यही कारण है कि अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में एवं विविधता से भरी हमारी संस्कृति में किसी भी शुरुआत को उत्सव के तौर पर मनाने की परंपरा ही रही है और ये समय नई शुरुआत और नए उत्सवों के आगमन का है होली भी तो बसंत को उत्सव के तौर पर ही मनाने की एक परंपरा है जिस समय हम रंगों के साथ होली मना रहे होते हैं उसी समय बसंत भी हमारे चारों ओर नए रंग बिखेर रहा होता है इसी समय फूलों का खिलना शुरू होता है और प्रकृति जीवंत हो उठती है देश के अलग अलग क्षेत्रों में जल्द ही नया साल भी मनाया जाएगा चाहे उगादि हो या पुथंडू गुड़ी पड़वा हो या बिहू नवरे हो या पोइला या फिर बैसाख हो या बैसाखी पूरा देश उमंग उत्साह और नई उम्मीदों के रंग में सराबोर दिखे मेरे प्यारे देशवासियों पिछले वर्ष ये मार्च का ही महीना था देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था अनुशासन का ये अभूतपूर्व उदाहरण था आने वाली पीढ़ियां इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करेगी उसी प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान आदर थाली बजाना ताली बजाना दिया जलाना आपको अंदाज नहीं है कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था वो और वही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके बिना रुके डटे रहे देश के एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए जी जान से जूझते रहे पिछले साल इस समय सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी साथियों हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है आप सभी श्रोताओं के इन विचारों की सराहना करता हूं इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए
दवाई भी कड़ाई भी। और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है, और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम माई कही जी बाता परा समाज रा न्यारा न्यारा तबका रा लोग इन चौकी पहल बताई है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने कहा है तो उस हिसाब से तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज अपन किस परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर आज भी इस चीज़ को अपन उनके ताल्लुक से नहीं जोड़ेंगे तो फिर शायद अपन एक नहीं है। अपने को इस चीज़ को ख़त्म करना है, इस चीज़ को बिल्कुल देश से नस्त नाबूद करना है। तो उनकी बात को आप सम्मान करें, वैक्सीन भी लगवाएं और उनके नियमों का पालन भी करें। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिताली राज के लिए बधाई दी है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें गर्ल्स को मतलब ट्राई करना चाहिए कि और हम आगे खेल्स में आगे आ सकें, स्पोर्ट्स में हम और अपना भारत का नाम ऊंचा उठा सकें। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, ताकि वो जो भी कर रहे हैं हम महिलाओं के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार है उनका। तो प्रधानमंत्री जी का ये जो संदेश है ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही सही संदेश है। बिकॉज हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो इतनी है कि वेस्ट क्रिएशन बहुत ज़्यादा होता है, और वेस्ट रिसाइकलिंग, वेस्ट को रिपर्पसिंग करना, ये एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है जिसको हमें, हमारे देश को ध्यान तो रखना ही होगा। मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स या वाटर एडवेंचर्स यूज़ हो सकते हैं उस एरिया में पॉपुलेशन टूरिज्म बढ़ाने के लिए। और जैसे वहाँ पर ज़मीन ऑलरेडी है, तो उसका अगर बेटर यूज़ हो सके, अगर उससे बेनिफिट हो सके, तो उसमें डेफिनेटली काम करना चाहिए। जो भी हमारी रूट्स हैं उनसे टच में रहना ज़रूरी है, बट अभी करंट लाइफ में क्या चल रहा है उसमें ध्यान देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो है कि कोरोना री दूजी लहर सगड़ा रे वास्ते चुनौती है, आपाने इन्हें गंभीरता सु लेता थका फैलबा सु रोकनो है। मुख्यमंत्री काले वीडियो कॉन्फ्रेंस रे मार्फत प्रदेश रा न्यारा न्यारा सफाखाना और चिकित्सा संस्थान रा काम रो लोकार्पण और शिलान्यास करया। ये मौके वाणा कहो कि लाडला दो बरस माए सेहत रा खेतर माए मजबूत आधारभूत ढांचो तैयार करी जो है। बांसवाड़ा माए नगर परिषद कानिशु शहर की सुंदरता बढ़ावा वास्ते कई काम करवाया जा रहा है। एक कड़ी माए काले जनजातीय क्षेत्रीय विकास महकमा रा राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया नूतन पाथवे रो लोकार्पण करया। ये मौके वाणा कहो कि प्रदेश सरकार बांसवाड़ा जिला की तरक्की वास्ते कहीं भी कसर नहीं राखेला। वाणा कहो कि शहर रा कागदी पिकअप वियर ने उदयपुरा फतेह सागर री तरिया बढ़ायो जावेला। कार्यक्रम माए नगर परिषद रा सभापति जनेन्द्र त्रिवेदी मौजूद रहा। नगर पालिका का बोर्ड बनने के एक साल बाद में आपने कितने ही इस शहर की सौंदर्यीकरण और उसके विकास के बारे में लिखा है, देखा है, और आज कहते हुए फिर वापस मुझे खुशी है कि जिस तरीके से इस उदयपुर रोड को माननीय नगर पालिका के सभापति द्वारा और नगर पालिका द्वारा इसको सौंदर्यीकरण का रूप दिया है। कागदी के अंदर बोटिंग व्यवस्था, दो तीन गार्डन, उपाध्याय गार्डन हो चाहे मोहन कॉलोनी का हो, पाथवे का उद्घाटन किया है। ये नूतन स्कूल के बाहर नूतन पाथवे के रूप में उद्घाटन किया है। यहाँ पे खूबसूरत हमने ब्लॉक लगाए हैं, खूबसूरत लाइटें लगाई है। ये लोगों के लिए घूमने के लिए एक बहुत ही बढ़िया हमने पाथवे बनाया है। किलोमीटर की सड़कें जो बनेगी नगर परिषद क्षेत्र में वो भी कार्य कराया है, तो लगातार डेवलपमेंट हो रहा है
और आने वाले टाइम में नई सौगातें और शहर को मिले। नूतन पाथवे का उद्घाटन हुआ है, माननीय मंत्री महोदय ने किया है। हम और माननीय मंत्री महोदय शहर के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। प्रदेश में अब तक 54,84,000 से बेसी लोगों ने कोविड रो टीको लग चुको है। इनमें 48,06,418 लोगों ने पहली डोज जबकि 6,77,766 लोगों ने दूजी डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य महकमा के मुजब काले प्रदेश में 1,76,563 डोज लगी। इनमें 60 वर्ष से बेसी उम्र रहा 1,38,000 से बेसी और गंभीर बीमारी वाला 29,925 लोगों ने टीका लगाया। प्रदेश में मोटी तादाद में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आ गया है। प्रदेश में काले 852 नवा मरीज मिला है। इनमें सबसे बेसी कोटा में 114 और जोधपुर में 105 संक्रमित मिला है। इरे उतर उदयपुर में 77, डूंगरपुर में 66, जयपुर में 62, अजमेर में 59 और सिरोही में 57 मरीज मिला है। वही एक्टिव केस भी बढ़कर 6,358 हो गया है। पर राहत की बात यह है कि काले कोरोना से प्रदेश में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट फेरू टाल देगी है। अब यह 25 अप्रैल की जगह 20 जून ने होवेला। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बतायो कि मुख्यमंत्री कानीसु EWS आरक्षण रा नुआ प्रावधान लागू करण खातर बनाई जी प्रशासनिक कमेटी री सिफारिश पाछे यो फैसलो लीजो। वठई RPSC भी 4 अप्रैल ने होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतियोगी परीक्षा भी टाल दी है। जयपुरा जवाहरनगर माए फाइनेंसर रे रिवास परा ACB एहलकार वर्नर कोई 23 लाख रुपया री लूट रो पुलिस खुलासो कर दियो है। DCP ईस्ट अभिजीत सिंह बतायो कि लूट रो मुख्य आरोपी फाइनेंसर रो बेटो ही निकलियो है। पुलिस भी ने गिरफ्तार कर लियो है। पूछताछ माए सामने आयो कि आरोपी ने लाडला दिना बिटकॉइन माए रुपया लगाबा और शेयर मार्केट माए घणो नुकसान भी हो। इरे इतर वो ऑनलाइन गेम माए भी घना रुपया हार गयो हो। रुपया री दरकार पड़वा परा वो अपना दोस्तारे साथ मिल रिया वारदात करी। तो ये कुछ मैच नहीं हो रहे थे स्टेटमेंट फैक्ट से, और उसके बाद गहनता से पूछताछ की गई तो इसने खुलासा किया कि इसको 50-50% के हिसाब से बांटने का इनका प्लान था। आरोपी ने घूमने के लिए दुबई और तेहरान की टिकटें भी बुक करने के लिए उसने सर्च की हुई हैं। पढ़ाई के दौरान ही ये अपराधियों से जो बाकी 3 इसमें इसके साथी हैं उनके संपर्क में आया है, और इनके कथन के अनुसार उनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी दिनों से प्लान था इनका। कल इनको मौका मिला तो इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। जयपुरी मालपुरा गेट थाना पुलिस काले 5 शातिर वाहन चोरा ने गिरफ्तार करो है। पुलिस वनरा कब्जा सू चोरी री 5 मोटरसाइकिल बरामद करी है। पुलिस बतायो का आरोपिया सू दूजी वारदात रे बारा माय पूछताछ करी जा रही है। लगातार वाहन चोरी की वारदातें बढ़ रही थी, जिसको रोकने के लिए हमने सांगानेर सर्किल में अलग अलग थानों पे टीमों का गठन किया था। मालपुरा गेट में SHO रायसिंह जी के नेतृत्व में हनुमंत SI, ईश्वर हेड कांस्टेबल, लक्ष्मी कांस्टेबल और दशरथ कांस्टेबल के रूप में एक टीम का गठन किया था। टीम ने आज कार्रवाई करते हुए 5 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पिंटू माली है, लवकुश माली है, मनीष योगी है, प्रहलाद है और राहुल मावर है। इन 5 चोरों को हमने गिरफ्तार किया है। उसके साथ 5 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई है। इनसे पूछताछ की जा रही है, हम और भी वारदात खुलने की संभावना। देश भर में रंगारो त्यौहार होली आज हरक रुच्छावरे साथे मनायो जा रियो है। फागणरी पुन्यूरे दिन शुभ मुहूर्त माय होलिका दहन करो जावे है। इमरतबा कोरोना महामारी रे चालता सार्वजनिक जगह पर होली खेलन पर रोक लगाई जी है। प्रदेश माय आज अरकाले सिंजा 400 रात 10 बजे ताई सार्वजनिक जगह पर कार्यक्रम भेज सकेला। इन माय बेसिस बेसी 50 लोग हिस्सो ले सकेला, पर सोशल डिस्टेंसिंग सेती दूजी शर्ता पहली जारी करी जी गाइडलाइन रे मुजब रेवेला। ई मौके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लोगा ने होली री शुभकामना दी है। त्यौहार होली आज देश के हर कोने में खुशियां, उत्साह और खुशहाली बिखेर रहा है। फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में होलिका का दहन किया जाता है, इसके बाद रंग खेला जाता है। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के चलते कई राज्यों में सार्वजनिक स्तर पर होली कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में होली का जज्बा जरूर लोगों को उम्मीद की रोशनी दिखा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
जयपुर रा आराध्य देव गोविंद देव जी रा मिंदर माए आज होली रे दिन श्रद्धालुवारी भीड़ निचराई। श्रद्धालु भगवान रे गुलाल चढ़ाई और सुख शांति और समृद्धि री कामना करी। होली दहन खातर प्रदेश भर माए ठाडी तैयारी करी जा रही है। जयपुर माए लोग बाजार माए दहन में काम में लिया जावन वाला सामान खरीद रहा है। आज संझा न्यारी न्यारी जगह पर होली दहन करो जावेला। इस दौरान कोविड महामारी ने देखता थका खास सावचेती बरती जा रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होली रा त्यौहार पर प्रदेश रा लोगों ने शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल कहो है कि होली रंग और उत्साह रो त्यौहार है, पर इमरतबा कोविड-19 रा लगातार बढ़ता संक्रमण ने देखता थका खास सावचेती बरत पारी दरकार है। मुख्यमंत्री अरज करी कि गाइडलाइन रे मुजब कोरोना प्रोटोकॉल री पूरी तरह पालना करता थका यो त्यौहार मनावे। होली रो पर्व इमरतबा कोरोना रा डर रे बीचे मनायो जा रियो है। वठई जयपुरा मणिहारा रा रास्ता माए जयपुरा जाने पिछाण्या गुलाल गोटा बनर तैयार है। मोटी तादाद माए लोग गुलाल गोटा खरीदवा वास्ते पूग रिया है। राष्ट्रपति अवार्डी आवाज मोहम्मद 7 पीढ़ियां सु होली रे मौके गुलाल गोटा बनावन रो काम कर रिया है। गुलाल गोटा बनाबारा तरीका रो जायजो मारा खबरनवीस हनुमंत सिंह चारण लिया। राजधानी जयपुर की होली विश्व प्रसिद्ध होली मानी जाती है। वहीं मनियारों के रास्ते में गुलाल गोटे से होली जो के लिए तैयार किए जाते हैं, और यहां पर जो है आवाज मोहम्मद है जो राष्ट्रपति अवार्डी भी हैं, वो यहां पर गुलाल गोटे तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये गुलाल गोटे हैं जो यहां पर तैयार किए जाते हैं और होली पर खास तौर से जो है होली खेलने के काम में आते हैं। उनसे बात करते हैं किस तरह की जो है ये तैयार किया जाता है और इसके अंदर क्या खास है। मैं ये 7 पीढ़ियों से ये हमारा लाख का काम चला आ रहा है। ये वैसे तो कौरव पांडवों के ज़माने से रक्षा गृह से लाख का काम है। ये जो लाख के जो गुलाल गोटे जो बन रहे हैं ये प्योर लाख के होते हैं और इसके अंदर प्योर अबीर मिलाई जाती है। और इस वक्त ये जो है ये सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण के लिए ये बनाए जाते थे, 2 महीने पहले से तैयार होते हैं। देख सकते हैं कि सबसे पहले किस तरीके से बनाएंगे इसको। थोड़ा सा लाख लेंगे पहले, इसमें थोड़ी सी जैसे 3 ग्राम लाख लेंगे, फिर उसको गोली की सहायता से फिर उसको फूकने के द्वारा फुलाया जाता है। इस फूकने के द्वारा फुलाया जाता है, इस लाख को गुब्बारे की तरह फुलाया जाता है। तो ये गुब्बारे की तरह फूलने के बाद इसमें हम सूखा अरारोट का गुलाल, नेचुरल जो ओरिजिनल गुलाल होता है, तो वो डालते हैं। और फिर आप ये गुलाल गोटे को किसी के ऊपर भी फेंकेंगे तो ये गुलाल गोटा फूट जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा ये गुलाल कहाँ से आया। गुलाल गोटे का काफ़ी अच्छा क्रेज़ है। क्रेज़ इसलिए है, इसमें हाथ गुलाल में तो होते नहीं है और हाथ भी साफ होते हैं और सामने वाला गुलाल में भी हो जाता है। चूँकि इस बार कोरोना है तो कोरोना में खास तौर से बिना टच किए किसी को अगर आप होली खिलाना चाहते हैं तो गुलाल गोटा बेस्ट ऑप्शन है। जयपुर से हनुमंत सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। वन विकास अभिकरण का निशु आदिवासी इलाका वाला जिला प्रतापगढ़ में वन सुरक्षा समितियां और जंगलारे कन्ने रह रिया लोगारी आमद बढ़ावा वास्ते हर्बल गुलाल बिक्री केंद्र री शुरुआत करी जी है। उपवन संरक्षक संग्राम सिंह कटियार बतायो का जंगल सु मिलन वाला पलाश और दूजी चीजा सु ये लोग आपरा सामान तैयार कर रिया है। इनरी बनाए गुलाल केमिकल बिना होवे है जिसु कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होवे है। उन एसएचजी के माध्यम से ये हर्बल गुलाल का प्रोडक्शन किया जा रहा है और ये हर्बल गुलाल जो है वो पूरी तरीके से केमिकल फ्री है। इसमें किसी तरीके कोई भी केमिकल नहीं मिलाया गया है और ये बेसिकली जो हमारे जंगल में पलाश है उसकी उसके जो फूल आते हैं इस सीजन में उसके फूलों से और उसकी पत्तियों को पीस के बनाया गया। ये तीनों मिलकर बनती है। प्रदेश भर में आज शबे बारात रो पर्व हरक उछाव रे साथे मनायो जा रियो है। शाबान महीना री 14 तारीख ने मनाए जावन वाला ई पर्व रो इस्लाम में खास महत्व है।
आज इबादत की रात है और घर पर रह के बात करें, कल रोज़े का दिन है, कल रोज़ा रखें, रोज़े को भी सादगी से रखें और रोज़े को उसको मनाएं। सरकारी गाइडलाइंस की पूरी पाबंदियों के साथ में कब्रिस्तान जाना होता है तो कब्रिस्तान में दिन में जाएं, रात में अक्सर लोग जाते हैं लेकिन वो जितना टाइम सरकार ने दे रखा है उस टाइम के हिसाब से जाएं। सवाई माधोपुर रा रवांजना डूंगर माए पुलिस एक नाबालिग ने हिरासत माए लेता थका 2,000 रुपया सू 50 ग्राम स्मैक बरामद करी है। पुलिस NDPS एक्ट के तहत मामलों दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्मैक का प्रचलन बढ़ रहा है, इस चीज़ की सूचना हमें आमजन से मिलती रहती है और इसके संदर्भ में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो जो लोग स्मैक का कंजम्पशन करते हैं उनका डी एडिक्शन कैंप भी करें, उसके अलावा जो लोग सप्लाई भी कर रहे हैं स्मैक उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसी परिप्रेक्ष्य में रवाजना डूंगर पुलिस स्टेशन ने एक कार्रवाई की है जिसमें 50 ग्राम स्मैक बरामद की है। इसमें रूप सिंह मीणा जो पिलोदा पुलिस स्टेशन का रहने वाला है उसको हमने अरेस्ट किया है। इसके साथ में एक बालक भी था जिसको हमने निरुद्ध किया है और ये जो स्मैक ला रहे थे उनसे हम और पूछताछ करेंगे और उनके नेटवर्क्स क्या हैं उनसे हम पूछताछ करेंगे। बात क्रिकेट री, भारत और इंग्लैंड रे बीचे पुणे माए खेला जा रिया तीजा और आखिरी निर्णायक मैच माए भारत इंग्लैंड रे सामे जीत खातर 330 रनारो लगस रखियो है। इंग्लैंड टॉस जीतर भारत सु पहली बल्लेबाजी करवावारो फैसलो करियो। भारतीय टीम 49वां ओवर माए 329 रन बनार आउट वेगी। यहां पर आउट बहुत ज्यादा शफल कर गए, बहुत ज्यादा यहां पर शफल कर। ब्यूटीफुल लुकिंग शॉट, चेंज ऑफ एंगल राउंड द विकेट एंड जस्ट क्लिप थ्रू। इट्स अ हाई ट्रेजेक्टरी बट इट्स अ लॉन्ग वे ऑफ एंड देयर इज अ ब्रीज जस्ट लाइक दैट, एग्जैक्टली लाइक दैट। राव बात करा आपनी रापणारी हिफाजतरी, डीडी न्यूज का निशु एक खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना से बचाव वास्ते के है खास कदम। वैश्विक महामारी COVID-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। रवे बुलेटिन री खास खबर आएगा फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से विचार करया साझा। लोगा सो अमृत महोत्सव रे दौरान आजादी री लड़ाई लड़न वाला रा संघर्ष री गाथा देश रे सामने लावण री करी अर्ज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई चिकित्सा सुविधावां रो करियो लोकार्पण और शिलान्यास। कयो लाड़ला 2 बरस माए सेहतरा खेतर माए मजबूत आधारभूत ढांचो करी जो तैयार।
प्रदेश में अब तक 54,82,000 लोगों ने लगाई जा कोविड रा टीका। प्रदेश में काले कोरोना संक्रमण रा 852 नवा मामला आया सामने। देश भर में आज मनायो जा रही है होली रो त्यौहार। कोरोना महामारी रे चलता सार्वजनिक जगह पर होली खेलन पर लगाई जी है रोक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री लोगों ने दी शुभकामनावां। भारत और इंग्लैंड के बीच आज पुणे में एक दिन रो क्रिकेट मैच जारी। भारत पहली बल्लेबाजी करता थका इंग्लैंड ने 330 रनों रो दियो लगस। साथ ही प्रादेशिक खबरारी आकड़ी पूरी हुई। नमस्कार।